प्रदेश सरकार अब अनुबंध पर रखे जा रहे चिकित्सकों को 36,000 प्रतिमाह प्रदान करेगी। अब तक इनको 26,000 रुपए दिए जाते थे, जिसमें अब 10,000 रुपए की वृद्धि की गई है। ये बात पालमपुर में स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। परमार ने कहा कि 27 दिसंबर को प्रदेश भाजपा की सरकार को बने एक साल हो जाएगा। धर्मशाला में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। रैली में हजारों की तादाद में सरकारी योजनाओं के लाभार्थी भाग लेंगे। स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश में चिकित्सकों की तैनाती भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि 350 चिकित्सकों के पद भरे जाने के लिए वॉक इन इंटरव्यू लिए जा चुके हैं। वहीं मंत्री ने बताया कि 732 के करीब स्टाफ नर्सों को भी रखा जाएगा। वहीं फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफी इत्यादि के लिए इंटरव्यू चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों को हेल्थ वेलनेस सेंटर में तब्दील किया जा रहा है, जिनमें जल्द ही सब सेंटर भी शामिल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के उन डॉक्टरों पर सरकार जल्द कार्रवाई भी शुरू करेगी जो महंगी दवाइयां मरीज को लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन डॉक्टरों को किसी भी तरह बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसमें डॉक्टरों के सस्पेंशन तक किए जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए 27 तारीख को एक वर्ष पूर्ण होने जा रहा और श्रद्धेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री धर्मशाला में एक विशाल रैली को संबोधित करने वाले। अगर उस संदर्भ में कहूं तो अगर और उसमें हजारों की तादाद में लाभार्थी भी शामिल होने वाले हैं। लाभार्थी का अभिप्राय कि भारत सरकार ने और प्रदेश सरकार ने समाज के जिन लोगों के लिए लाभ पहुंचाया वो भी उस रैली में उपस्थित रहने वाले करके कुछ नया किया जाए। मैं ये नहीं कहता, उन्होंने भी बहुत किया होगा। मैं आलोचनाओं में विश्वास नहीं रखता, मैं कर्म में विश्वास रखता हूं। और इस कर्म में अब ऐसे लोग वहां पर आने के लिए तैयार हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि 27 तारीख की जो ये रैली है उसके लिए हमने पूरी तरह से तैयारी शुरू कर दी है और लोगों में बहुत एक उत्साह है कि हम धर्मशाला जाएंगे और इस रैली में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। पूरे हिमाचल प्रदेश से लोग आ रहे हैं, परंतु हमारा जो टारगेट है इस कांगड़ा पार्लियामेंट का वो पूरे प्रदेश की तुलना में सर्वाधिक है। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लोग आने के लिए तैयार हैं, मन बना लिया है। तो अब 27 तारीख को आपको भी निमंत्रण है कि आप भी धर्मशाला आए और उस कार्यक्रम को आप भी देखें। तो कुल मिलाकर के मैंने सारा विषय आपके सामने रख दिया है। अब आपको भी कोई बात पूछनी हो, करनी हो तो आप कह सकते हैं। हाँ जी, मैंने कहा भी है कि 350 डॉक्टर्स का वॉक एंड इंटरव्यू इस महीने खत्म हो जाएगा। 350 डॉक्टर जो अभी MBBS करके निकले हैं। दूसरा, हमने 208 पोस्टें डॉक्टर्स की हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पास दे दी। 3 जनवरी को फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। और ये जो वॉक इन इंटरव्यू में डॉक्टर्स लगते हैं, इनको 26,000 रुपए मिलता था। मैंने कहा 5 साल की कठिन पढ़ाई, फिर 26,000 सीधा एक मुश्त हमने 10,000 रुपए की इनहांसमेंट की है। अब ऐसे डॉक्टर्स को 26,000 नहीं 36,000 रुपए मिलेगा, ठीक है। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि स्टाफ नर्सिस की बात है, 732 वो रिक्रूट हो रही है। आजकल फार्मासिस्ट के इंटरव्यूज चले हुए हैं,
वैच वाइज चल रहे हैं, कमीशन के माध्यम से चल रहे हैं, रेडियोग्राफर के हमीरपुर में इंटरव्यू चल रहे हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, ओटी टेक्नीशियंस हैं, उनके भी इंटरव्यू चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हमने इस व्यवस्था को और सुचारू रूप, और मैं बताना चाहता हूं, अब आप कभी टांडा जाएं, वैसे तो आलोचना करना धर्म है, पर कभी सीटीवीएस सिस्टम को भी देख करके आए, वहां पर कैंसर का इलाज जो है लीनियर एक्सीलेटर के द्वारा होगा। लीनियर एक्सीलेटर एक हिंदुस्तान की अत्यधिक मशीन है, भारत सरकार ने दी थी, लगा दी, परंतु उसको ऑपरेट नहीं किया गया। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से हमें परमिशन मिल गई है, वो आ रहे हैं, तो अब उस दिशा में बढ़ रहे हैं। सीटीबीएस जो है हमारा, यानी जो ओपन हार्ट सर्जरी है, वो यहां पर शुरू होगी। तो कुल मिलाकर के उस सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में भी हमारा काम कहां से चल रहा था, मेडिकल कॉलेज की 500 सीटों से चल रहा था, 500 बेडेड। आपकी जानकारी के लिए वहां पर 823 बेड लगे, व्यवस्था वहां पर 500 के हिसाब से है। मैंने सरकार से कहा, उन्होंने कहा आप प्रपोजल लेकर के आए, वहां पर स्टाफ नर्सिस की सुपर स्पेशलिटी में पोस्टें क्रिएट हो गई हैं, टेक्नीशियंस की हो गई हैं, परंतु हमारा महकमा कुछ ऐसा है, यहां पर स्किलफुल और ट्रेंड आदमी ज्यादा चाहिए, तो उसकी एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, तो ये हम कर रहे हैं, जो भी कमी होगी उसको हम जरूर पूरा करेंगे। बाकी ये जो सैंपल दे रहे दवाइयों के, कल मुझे जॉनसन एंड जॉनसन जो पाउडर बनाते हैं उनके सीईओ का अमेरिका से फोन आया कि अखबार में कोई खबर छपी है कि हमारा सैंपल फेल हो गया। फिर मैंने अपना एक डीएचएसआर है हमारा, इसका भी अलग विभाग है, डायरेक्टर हेल्थ सेफ्टी रेगुलेशन, मैंने उनसे तहकीकात की, उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया हमारी सतत है, निरंतर है, चलती रहती है। इसलिए जो आपने प्रश्न पूछा है कि कुछ सैंपल फेल होते हैं, उनको हम, हमारा विभाग रैंडम चेकिंग भी करता है, हमारी कंडा घाट में लैब है, वहां पर भी इसकी चेकिंग होती है, और एक नई लैब हम बद्दी में 38 करोड़ रुपए की लागत से लगाने वाले हैं, भारत सरकार ने पैसा भेजा है। जब ये सैंपल फेल होते हैं तो कानूनन जो उसमें कार्रवाई की जाती है, एक तो सबसे पहले उन उद्योगों को, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को तुरंत सील कर दिया जाता है, और सील करने के बाद चेतावनी भी दी जाती है, सुधरने का एक मौका भी दिया जाता है, और लॉ ऑफ कोर्स के अनुसार अगली कार्रवाई कोर्ट में होती है, और कोर्ट फिर जो भी व्यवस्था उसके अनुसार जो कार्रवाई करती है, तो कुछ लोगों को उसमें सजा भी मिलती है और जेल भी होती है। पर मैं एक बात और बताना चाहता हूं, कुछ उसमें ड्रग जो फेल हो रहे हैं वो हिमाचल के नहीं, वो बाहर के प्रदेशों से जो ड्रग्स बनते हैं, दवाइयां बनती हैं, वहां को के आंकड़े को भी उसमें शामिल कर लिया जाता है। पर मुझे खुशी है, गुजरात के बाद हिमाचल प्रदेश फार्मास्यूटिकल हब है, 50,000 करोड़ रुपए की दवाइयां हम बना रहे हैं, 12,000 करोड़ रुपया की दवाइयां पूरे विश्व में भेज रहे हैं, और तीसरी दवाई मार्केट में हम बीबीएन के इलाके से तैयार करके लोगों के जीवन की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए बहुत बड़ा रेवेन्यू हिमाचल को भी मिल